मुझे राहुल में बुद्ध की याद आती है। अच्छा। कि संघ के लोग कहते हैं हम देश के मालिक हैं, लिखित है जी, इसका मोदी ने इम्प्लीमेंट किया। हमारी सब संपत्ति बेच डाली जी, जी हमारी बैंक बेच डाली जी, हमारे सब कुदरती संपत्ति बेच डाली। तुम अकेला देश को देश दबा सकता है? गहरा संकट है, आर्थिक है, संसद तक जी मुट्ठी में है मोदी जी के। सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग पंजाब की धरती पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और हम भी साथ में चल रहे हैं, लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप तक जो सच्चाई है वो पहुंच सके। सुबह के 8 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ठंडा है यहाँ पर। सभी लोग इतना मतलब फिर भी ठंड नहीं लग रही है लोगों को। हम जानना चाहेंगे कि लोगों को ठंड क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इतना माइनस में सेल्सियस चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता है। जयराम जी पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में। अभी मेरे साथ जो है जस्टिस बीजी पाटिल जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, और सर से हम जानना चाहेंगे क्योंकि कन्याकुमारी से सर जुड़े हैं। कानून व्यवस्था पे बात करेंगे और देश में चल रही राजनीति पे भी बात करेंगे, किस तरह से सरकार को देख रहे हैं सर। सर सबसे पहले बहुजन सेंचुरी चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर कैसा अनुभव रहा आपका कन्याकुमारी से पंजाब तक का? सर अनुभव तो बहुत अच्छा रहा जी, दिनों दिन जी सपोर्ट बढ़ रहा है जी, और रियल राहुल जी जनता के सामने आ रहे हैं जी। ये राहुल जी की प्रतिमा बनाई थी जी मनीवादी ताकतों ने जी जी सर, इसको छेद देने का काम जी ये यात्रा ने किया है। अच्छा। दूसरी बात ऐसी है जी कि यात्रा तो सबको जोड़ने की यात्रा है जी, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है जी जी जी, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और ये मैंने देखा, मैंने राहुल जी के साथ 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ है जी जी। मुझे राहुल में बुद्ध की याद आती है। अच्छा, छवि दिख रही है आपको बिल्कुल। अच्छा। ना उसको प्राइम मिनिस्टर की लेन देन है ना उसको जी। उनको लगता है कि देश बहुत संकट में है, हम भी वही सोच रहे हैं जी कि देश बहुत संकट में है। हाँ, हाँ। गहरा संकट है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजकीय है, सभी संवैधानिक संस्था है, संसद तक जी मुट्ठी में है मोदी जी की। जी, जी, जी। और हाँ। मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, झूठ है। अच्छा। झूठ है। एक इतना ही नहीं, तो उनके मुंह में एक है जिसको हाँ। बोलते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी जी जी जी। उन्होंने क्या किया जी कि जो संघ का एजेंडा है जी, संघ क्या कहता है हाँ। कि संघ के लोग कहते हैं हम देश के मालिक हैं। अच्छा। और आप सब लोग 2 जून के रूप के अधिकार, तो ये जो उनका लिखित है जी, इसका मोदी ने इम्प्लीमेंट किया। हमारी सब संपत्ति बेच डाली जी जी, हमारी बैंक बेच डाली जी, हमारे सब कुदरती संपत्ति बेच डाली, और एक दो ही घराने के लिए, दो ही कैपिटलिस्ट के लिए। तो जो उनका कहना था कि तुमको संपत्ति का क्या करना है, तो वो तुमको संपत्ति का क्या करना है, इसका मतलब हम 2 उद्योगपतियों को देंगे, 4-10 उद्योगपतियों को देंगे जी जी, तुम सिर्फ 2 जून के रोटी के लिए। सर जैसे कि अभी अडानी ने इंटरव्यू दिया है सर, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने मना किया है कि नहीं, मैंने कांग्रेस से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मोदी जी से उतना फ़ायदा नहीं उठाया है, और मेरा कोई सरकार पे कर्ज नहीं है सर। दुनिया बोलती है, दुनिया समझती है कि तुम कहाँ थे मोदी आने के पहले। मोदी CM बनने के पहले तो स्कूटर पर घूमते थे जी, CM बने, मोदी PM बने हाँ। तो देश की सभी संपत्ति, एयरपोर्ट है, जहाज बंदरें है, क्या नहीं है तुम्हारे धाबे में। तुम अकेला देश के ये कर सकता है, गला दबा सकता है, इतनी संपत्ति उसके पास दी गई है जी, जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है
मुझे सत्ता में रहने दो और तुम मेरे सत्ता के कारण देश को लूटते रहे और हम दोनों मिलके देश चलाएंगे। तो राहुल जी से सर आपको क्या उम्मीदें दिख रही है? नहीं भाई, यानी वो यही बोला कि मैंने जो राहुल जी का अभ्यास किया, जो बात हुई, उससे देश की जनता की सही मायने में फिक्र करने वाला सच्चा नेता है। अच्छा, और उसको मैंने बोला कुछ अभिलाषा नहीं है। जी जी, तो अभिलाषा क्यों नहीं है? तो बोला कि मैंने देखा है मेरे ग्रैंड मदर के टुकड़े हुए, छलनी हुई शरीर की, मेरे पिता के टुकड़े हुए, तो मैं जब रास्ते पर चल रहा हूँ तो मेरा भी फेट क्या है मैं जानता हूँ। हम किस क्रूर ताकत से लड़ रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ। तो उससे बात करने में ज़रा मज़ा आता है और उसमें समझ में आता है कि ये अलग किस्म का आदमी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये निष्प्रार्थी निस्वूर नेता है जिसको भारत के सभी लोगों ने ताकत देने की ज़रूरत है। सर, आखिरी में भारत जोड़ो यात्रा का को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कितना देश जुड़ पाएगा सर इससे? नहीं नहीं, ये देखो, ये रिजल्ट की बात जो है ना, ये यात्रा से भटका रहा है। अच्छा, अभी हम कन्याकुमारी से देख रहे हैं, कभी 10 थे तो 1000 हो गए, लाख हो गए, लाखों हो गए, ये तो हम देख रहे हैं। जी जी, और बीजेपी तो सर जो आप जो बोलेंगे कि हम 24 के लिए कर रहे हैं, जी जी, तो खुद राहुल जी नहीं कर रहे 24 के लिए, तो हम क्या करेंगे? वो देश को बचाने के काम कर रहे हैं, हम भी कोई कर रहे हैं। और हम न कांग्रेस ही है, न हम राहुल के कुछ रिश्तेदार हैं, हम तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और जब हमारी घर बैठने का समय है, जी जी, तब हम कहते हैं कि भाई चलो हम सब मिलके देश को बचाएंगे। चलते चलते घर में मरने के बजाय, सड़के मरने के बजाय रास्ते पर मरेंगे तो अच्छा है। ये दिल से हमारी बात है। सर, जावेद अख्तर ने ये कहा है कि सिर्फ पैदल चलने से काम नहीं चलेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे यार, ऐसे घर घर में बैठ के कमेंट करने वाले तो करोड़ों हैं ना, करोड़ों हैं। तो उनकी उनका किसका किसका सुनेंगे हम? तो जो कुछ करना है वो पैदल चल के शुरू हुआ है, अभी जो कुछ करना है वो धीरे धीरे होते जाएगा। यदि तुम कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ कमेंट करते रहेंगे तो क्या, तो उसका क्या फायदा? थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। मैं पंजाब में बीजी कोलसे पाटिल जी थे, जस्टिस जी, जी जी, और इन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा का देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा, ये सब आपने सुना। आप लोग क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, कितना बदल सकती है भारत जोड़ो यात्रा देश को या कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।